गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी संडे। आज के संडे स्पेशल कुकिंग व्लॉग में मैं आपके साथ एक झटपट बनने वाली नॉनवेज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो है मटन कीमा कलेजी। ये रेसिपी बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए आज के संडे स्पेशल कुकिंग व्लॉग को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर चलिए कुकिंग व्लॉग को शुरुआत करते हैं। मैंने लिया है आधा किलो मटन कीमा, इसमें कलेजी के पीस भी है, तो इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसका पूरा पानी निकाल दिया है। उसके बाद ये है दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, ये है एक बड़ा टोमेटो, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, ये है कटा हुआ हरा धनिया, ये नींबू, ये बाद में हमें यूज़ करना है। यहाँ पर है तीन चार तेज पत्ते, ये है स्टार अनीस, ये हरी इलायची, दो दालचीनी के टुकड़े, और ये है लौंग और मिरी, और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसमें से हम एक चम्मच पेस्ट यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैं डालूंगी दो चम्मच तेल, तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें खड़े गरम मसाले डाल देती हूँ। अब मैं डालूंगी प्याज, प्याज को हमें हल्का लाल करना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए प्याज अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें टोमेटो ऐड कर देती हूँ। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी, पाव चम्मच हींग, यह है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है एक चम्मच, अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो तीन मिनट के लिए। दो मिनट अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें कौन कौन से पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी कांदा लहसुन मसाला तीन चम्मच, ये होममेड कांदा लहसुन मसाला है, ये तीखा होता है और इसकी रेसिपी बहुत जल्द हमारे चैनल पर आएंगी। ये है एक चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, और ये है लजीज का मीट मसाला, ये मैं डालूंगी एक चम्मच। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एवरेस्ट या सुहाना का मीट मसाला डाल सकते हो। ये मैंने डाला एक बड़ा चम्मच, अब इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और एक अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये मटन कीमा ऐड कर देती हूँ। चार पांच
5 मिनट हमें हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेना है। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने अंदाज से डालिए। अब देखिए मटन ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ और 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। बाद में आपको दिखाती हूँ। से 20 मिनट हो चुके हैं। और देखिए मटन का बहुत सारा पानी सूख चुका है। अब मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ ये पका है या नहीं। मुझे लगता है इसे अभी और थोड़ा सा टेंडर होना चाहिए। अभी मैं इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड कर देती हूँ और 10 से 15 मिनट मैं इसे कुक करूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। देती हूँ और फिर 10 से 15 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए फिर से 15 मिनट हमने इसे पकाया है और ये पक चुका है। और ये जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी सी वो मैं रखूंगी। अब बस हमें इस पर कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालूंगी। हमारा मटन कीमा रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो फिर मिलते हैं अगले कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।